छह अंकों छह मैचेस के बाद आंकड़ा था गौतम मुर्गन का, छह मैचेस 25 पॉइंट्स से, बट उसके बाद आठ मैचेस 25 पॉइंट्स हो गए। पिछले दो मैच में वो पॉइंट्स का सूखा रहा है इनके लिए। लोकेश घुसलिया ने वापसी की है, आज के मैच में उन्होंने छह टैकल पॉइंट प्राप्त किए। शिवा कुमार का दिन उतना अच्छा नहीं गया, हम्पी हीरोज का दिन उतना अच्छा नहीं गया, सिर्फ एक टैकल पॉइंट अपने नाम कर पाए, इसलिए आठ मैचेस में 24 टैकल पॉइंट्स इनके पास है। बट रेडर्स ने बहुत अच्छा स्टेप अप किया है। एंड आई कंप्लीटली एग्री, एंड वी विल नाउ गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। ही हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टैकल्स, ही इज लीडिंग द डिफेंडर्स, द बेस्ट डिफेंस एट द मोमेंट इज गौतम मुर्गन, 8 मैचेस 25 रेट पॉइंट्स एंड अ टैकल स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 49। ही इज द वन टू वॉच आउट फॉर, एंड ही विल लुक टू गेट ओवर हिज डेफिसिट बिकॉज़ he's missed out on two matches and I'm sure he's not going to go on to a third match without a point, Harshit. या हम भी यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं रायन कॉम्बॉक्स में। रजपाल सिंह गौर की बात कर लेते हैं, आज आप इन्हें प्ले टू वॉच आउट फॉर में देख रहे हैं, 9 मैचेस 42 रेट पॉइंट्स, रेट स्ट्राइक रेट 47 के आसपास आप मानते हैं, बट अच्छा इन्हें करना होगा। और दोनों की स्ट्राइक रेट इसलिए कम है क्योंकि एक तो ब्रजपाल ने एम्प्टी रेट ज्यादा लगाई है, और मुर्गन गौतम की इसलिए स्ट्राइक रेट कम थी क्योंकि उन्होंने फॉइबल्स बहुत ज्यादा किए द पास्ट टू मैचेस, 16 विरन 5 हार। देखिए कैसे कंसेक्यूटिवली तीन मैच पहले जीते 16 वीरन और उसके बाद लगातार पांच मैच हार का सामना करना पड़ा है रायन उन्हें। ये देखिए एल। Oh no, I mean this is something that they need to have figured out by now, because if a team can start positively and all of a sudden have the tight turn just like that, obviously something was there was a big बट अभी आइए क्योंकि हम सीधा चल रहे हैं बेंगल की तरफ और उसके बाद ट्रॉफी जूम इन होगी, ब्यूटी दिखेगी और चलेंगे हम काउंटडाउन की तरफ। तो ये क्या 16 वीरन्स की जो टीम है ये अब पूरी तरह से परेशानी में डाल पाएंगे अरावली हेरोज को। पर पहली रेड यहां पर क्योंकि 16 वीरन्स ने टॉस जीता था, अरावली हेरोज के ब्रजपाल लेकर आएंगे। और रायन बात करते हैं ना, थोड़ी सी हिस्ट्री रिलेटेड बात करते ही, देखिए 16 वीरन्स के जो कोच हैं वो पी राजा साहब हैं, और यहाँ पर क्या ब्रजपाल ने शुरुआत कर दी है रिव्यू की मांग कर रहे हैं, बोला अगर मेरे पक्ष में निर्णय जाए तो मैं तो रिव्यू लूंगा, अगर आपके पक्ष में निर्णय जाना है तो आप भी रिव्यू लीजिएगा। विघ्नेश बाबू बाहर हैं। Indeed, and he was so confident there that he was going to go for the review irrespective, but the point was given to him. And Aravali Arrows starting things off very nicely in style by getting a point, and run and Arun Kumar steps in for the Chola Veerans to open up and possibly do the same and get a point for his team in the first raid itself, Harshit. जी और देखिए दो तीन चेंज वहां पर मौजूद थी, इच्छुक हुई है देव गुर्जर का अभी अभी इंक्लूजन हुआ था, और ऐसा रायन हमें बहुत बार देखने को मिला है। देखिए आप स्पोर्ट्स के बड़े करीब हैं रायन, हमने बहुत सारे आपकी बास्केटबॉल रिलीज देखी हैं, आपकी जंप्स देखी हैं, बट अक्सर जब कोई नया खिलाड़ी मैट पर आता है ना तो वो ज्यादा कोशिशें करने लगता है इम्पैक्टफुल दिखाने की, तो थोड़ा सा पेशेंस को होल्ड करना बहुत जरूरी है रायन के लिए। Yeah, that's indeed a very, very well stated point, Harshit. And I'm sure you must be seeing how these players are coming in, especially the ones who are experiencing YKS for the first time. So it's a question I wanted to ask you, Harshit. Like, you're so close to the players and you can see how there are few senior players who've played YKS before. So how are those players acting like mentors to the newly rookie players who've just joined the league? Wonderful question. सबसे पहले इस प्रश्न की तारीफ है, और ये किसी भी अनुभवी खिलाड़ी का कार्य होता है कि कैसे आप अपने साथी खिलाड़ी जो इर्द गिर्द हैं उनके लिए पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए। इसके बीच में देखिए रंजीत ने एक अच्छा कार्य किया, एक पॉजिटिव अटायर वहां पर दर्शाया और पॉइंट की मांग की है, और बड़ी जल्दी रिव्यू की मांग कर रहे हैं। मुर्गन गौतम ने भी कहा और कोच कप्तान माफ कीजिएगा अरुण कुमार ने भी कहा कि चलिए जाइए रिव्यू के लिए। क्या रंजीत शुरुआती समय में ही अपना रिव्यू गवा देंगे 16 वीरन्स के लिए या फिर एक पॉइंट ले आएंगे? लेट्स हैव अ लुक। वन टच पॉइंट प्लीज गो बैक टीवी एम्पायर, 16 वीरन्स चैलेंज इज वन टच पॉइंट, आवर डिसीजन नो टच प्लीज रिव्यू। ओके
देखते हैं ये राइट कवर पर अटैक कर रही है. You're saying 6x6. I'm actually not wearing my glasses, so I'm the last person you should ask. But it did look like there's a possibility he got his arm, but there's no conclusive evidence, at least from our angle, as to whether the contact was made between the fingers and the arm of the defender. So I'm sure this would call for an experienced personnel like our TV umpire to make the decision, honestly, Harshit. और ज्यादा समय हुआ नहीं वैसे सरकार बनाए कर्नाटक में. रायन आप भी पॉलिटिक्स में क्या आपका मिजाज है, क्या आपका थोड़ा भी रुबाब है? Yeah, well, up to a certain extent, not very much, but I'll be honest, I do follow a little bit because I believe that, you know, if you look at today, our country, everybody just likes to blame the government, but yeah, they don't follow what's happening. Like so many of them, my age people came and asked me, who do I vote for? I'm like, boss, you look at who's doing what and make your decision. That's the power given to us. That's a rightful power that we all have to exercise because that's review, how successful. The constitution is framed. One point, and the review successful, yeah. Chola Veerans get a point, a rightly called review by the team there. बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू सक्सेसफुल जाएगा चोला वीरेंस के लिए. अच्छी कोशिश थी यहाँ पर रंजीत, देखिए ये टॉप एंगल से ज्यादा सही पता चला. नवप्रीत वहाँ पर बाहर जाएंगे और शायद उन्हें भी पता ना चला क्योंकि शॉट्स पर या फिर उनकी जर्सी पर हल्की सी थिरकन आई थी. बट रायन उस टॉपिक पर वापस चलते और बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारी जगहें हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और देखिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ हमारे घर के लिए कमाना चाहते हैं और भारत जो है पूरा हमारा एक घर है, हमारा स्टेट, हमारी सिटी, हमारा समाज, वो भी हमारे साथी हैं. तो कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सभी के लिए बनती है, चाहे हम एज अ टैक्स पे करके वहाँ पर करें या फिर सिर्फ टैक्स पे करने से नहीं होता है. आस पास स्वच्छता रखना, एक दूसरे की मदद करना, नेबरहुड हो गया, और ये बहुत ज़रूरी है. और मैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात रायन इसलिए किया था क्योंकि बहुत ही अच्छा आंसर वहाँ पर आपने दिया था. एज अ पॉलिटिशियन लीडर आपने सभी को संतुष्ट किया था वहाँ पर, जैसे कि इस बार मोहनदास ने किया है अपनी टीम के लिए. नंबर 3 आउट. Yes, Mohandas there getting the point quickly, and Ankit was the victim in terms of that raid. And Chola Veerans off to a decent start, honestly, in this game. They've gotten the lead. Aravali Arrows started the match with a point, but after that, it's just been Chola Veerans. We have a do or die raid, and Brajpal has been the man. He played a spectacular game over the last couple of games, and this is why he gets the point for them when they need him the most. And that's the kind of player you have to be. Wanji Nathan, उतना अच्छा debut इस summer edition में उनका हुआ नहीं है. Thighs पर जाना चाहते थे बॉक लाइन के आगे से. Ryan, जितने भी tackles आज हमने बॉक लाइन के आगे से देखे, 99 राइट कॉर्नर पर तेज मौजूद थे. दूसरी बार वहां से उनसे गलती हुई है और पॉइंट मोहनदास को मिला है. One point. Oh yes, Mohandas also getting settling into this game pretty well. And a very good point stated there, Harshit. A lot of players are going up to the walkers, getting points through the bonus. You want to add the pressure on as Aravali Arrows claiming a point. I'm not sure if there's a point there, Harshit. Yes, okay, there is a point. जी यहाँ एक पॉइंट दिया गया है. और जी रायन उस प्रश्न पर वापस आते हैं, पर यहाँ देखिए ब्रजपाल सिंह गौर आज एज अ लीड रीडर बहुत अच्छी तरह से अपनी टीम के लिए काम कर रहे हैं. और जी रायन उस प्रश्न पर वापस आते हैं कि एक बार आप वापस पूछेंगे. Yes, so one thing I've noticed in this edition is that many teams choose to have a defensive approach where they are standing from a very advanced position. They are standing closer to the block line. As a defensive play come in for the Aravali Arrows, they have denied that raid attempt. One point, and raider out is signaled, and Aravali Arrows should tie the game with that. Wow. Coming back to my question, Harshit, so I was asking whether players... Okay, we have an official timeout for a decision as there is an injury. We do hope the player is fine there. Chota packet bada dhamaka. Right corner par wahan par maujood the aur turant hamare jo physio partner hai yani ki Jesus College of Physiotherapy. But Prem Badu jo ki left corner par zyada stable hai isliye unhe wahan bulaya jata hai aur Rajendra jo ki flexible hai isliye unhe right corner par rakhte hain. Turant us prashn par wapas chalte hain Ryan aapke. और कई सारी टीमों ने यहाँ पर डिफेंसिव अप्रोच जिसकी आपने बात की, बॉक लाइन के आसपास डिफेंस खेलने गए, तो कॉम्बिनेशन रायन सबसे बड़ी चीज. अगर आप बॉक लाइन या फिर बॉक लाइन के पीछे से भी टैकल करना चाहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है दोनों कॉर्नर्स का, कवर्स का. और यहाँ पर रंजीत ने वो कॉम्बिनेशन दिखाया, दोनों पैरों का जग किया एंकल होल्ड को और राजेंद्र को शिकार बनाया. ओ फ्रस्ट्रेशन.
Yes, that self-error when you realize that you made that unnecessary error and you have to go back and face your coach, you often have reactions like that. And Ryan एक इस चीज को देखकर ना इन expressions को देखकर राजेंद्र बाकर के मुझे एक पुराना वीडियो याद आ गया जो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था. आई होप कि आपने भी देखा होगा कि एक नॉर्मल आदमी जब शायद पैराग्लाइडिंग के लिए चला जाता है और उसे जब वहां पर थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी होने लगती है तो वो कहता है कि मारो भाई मुझे मारो, मैं पागल था जो मैं यहां आया, 100-200 ज्यादा ले ले पर मुझे लैंड करा दे. Oh yes, I remember, and whatever he said after that, we cannot say that here on Fan Code. But yes, I very much remember that, and that went on to become a very popular meme as Ranjit steps in for the Chola Veerans. Halfway through the first half, Chola Veerans have seemed like the stronger team, but Aravali Arrows very much in it as well. And the previous time they had an encounter, it was a 2-point game at the end. So anything can happen in this match. We know we have a cracking game, a cracking do or die raid here for you, Harshit. जी हाँ, यहाँ पर एक क्रैकिंग डू और डायरेक्ट की हमें उम्मीद है. प्रशपाल सिंह को और पहले बोनस का प्रयास किया है प्रवीण आयनाल के नीचे से रंजीत उनके साथ मौजूद है. लीजिए इस बार परफेक्ट तेजी के साथ आइडियलिक डिफेंस वहां पर था, एंगल को कट कर दिया था. लेफ्ट कवर राइट कवर चेन में आए थे मुर्गन गौतम के साथ और उसके बाद प्रवीण आयनाल का भी वो बैक होल्ड आया, यानी कि ये था परफेक्ट कॉम्बिनेशन टैकल. इसीलिए रायन हम बात कर रहे थे कि अगर टीम आपको बॉक लाइन के आगे भी हाई लाइन खेले तो उन्हें कॉम्बिनेशन में जाना है. बोनस क्या दिया रायन idea. Yeah, no, I don't think the bonus was available there because or maybe yes, I think Aravali Arrows was 4 and now they become 5, so yes, the bonus was given, which is why it's still a 1-point game. Mohandas has come in for the Chola Veerans. He's moving very quickly. Wow, it's a lot of pace in his raiding, and you do require a lot of agility because the kabaddi mat is a very small area, so for you to run at that speed you require a lot of athleticism. 6-5 ab Arun Kumar do or die. Pichli baar jab ye aaye the right corner par Rajendra Bhakkar maujood the aur unke niche unhe thodi si chot bhi aayi thi par unhone acha tackle wahan par kiya tha. Fir se right flank ki taraf aa gaye, is baar Rajendra Bhakkar nahi Ankit Jarde piche gaye, acha patience goal karke rakha hai. Prem Badu apni team ke sarvashreshth defenders mein se ek hai, but finally Ankit Jarde ke liye bada point. अभी तक ऑफ कलर रहे पिछले मैच और इस मैच में, बट यहां पर एक अच्छा फ्रंटल ब्लॉक किया, पावरफुल कहना चाहेंगे और स्ट्रेंथन कहते हुए अरुण कुमार को बाहर का रास्ता दिखलाया रायन. या एंड द रिएक्शन ऑफ द कोच जस्ट टोल्ड ऑल ऑफ अस एंड इंक्लूडिंग आवर व्यूअर्स एज टू हाउ गुड एन इनिशिएटिव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दैट ब्लॉक वाज. द कोच इमीडिएटली गॉट ऑफ हिज चेयर एंड अप्रिशिएटेड दैट. दैट्स अ गुड साइन. एंड Aravali Arrows हैव टाइड द मैच विद दैट ब्लॉक. It's 6 each. And Navpreet Singh here can possibly gift Aravali Arrows the lead. He has possibly done it. Yes, he has. Navpreet Singh giving Aravali Arrows the lead. उन्हें लगा कि क्या लॉबी में जाऊं ना जाऊं, पर उन्होंने पूरे इंश्योर किया कि चलो लॉबी में चला जाता हूँ और एक पॉइंट अपनी टीम के लिए. नवप्रीत ही वो खिलाड़ी है रायन जिन्होंने पिछले मैच में Aravali Arrows की वापसी की गाथा लिखी थी अगेंस्ट चंबल चैलेंजर्स. Oh wow, he's that one player, and can Mohandas get back quickly? We heard the whistle and I think raider out. 1 point. Yes, raider out has been signaled. Perfect tackle once again coming for Aravali Arrows, and take a look at this, Harshit. It was 6-5 and all of a sudden Aravali Arrows has taken the lead. Aravali Arrows ne wahan pe lead prapt kar liye. Rajesh Gujjar jo ki thode se aggressive coaches mein se ek hai, green card yahan par aaya hai, zarur thoda sa muskurahat chehre par hai, but unhone shama mangi hai ki agli baar se aisa nahi hoga. 8-6 par score hai Ryan. Time out. Chola Veerans. Time out manga gaya Chola Veerans. Achhi soch yahan par. Aur main coach ki baat kar raha tha, B Raja inke coach hain. चोला डायनेस्टी के जो सबसे पावरफुल राजा जो रहे हैं ना रायन, वो भी उनका भी नाम राजा है, तो ये देखकर अच्छा लग रहा है कि यहां पर कैसा लीड कर पाएंगे. ये सपोर्ट பண்ணுங்க டிஃபன்ஸ் அதுக்கு அப்புறம் இவெல்லாம் நீ என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு அப்புறம் நீ பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பி. இவனை வச்சு ஆடுங்க, நீ மூணு பேர் டிஃபன்ஸ் ஆனா அவ்வளவுதான் மேட்ச் மாறிடும். கான்ஃபிடன்ட்டா நில்லு, ரெடி வாஞ்சி பேசி ஆடு. ஆடு மேட்ச் ஆனே மே டைம் லகேகா பழைய கவர் மாரிகா. ரயன், do you know about Tamil? थोड़ा बहुत जानते हैं आप तमिल?
Well, I know very minute factors. I know a little bit about it, not too much, but yes, I do know a fair amount. I wouldn't say a lot, but yes, because it's a neighboring state, you do end up interacting with a lot of people from there. As Aravali Arrows kicks their way, gets a point, and they continue to score. However, the umpire has said, wait, made a save, and 2 points to the Aravali Arrows. Just wow. क्या पहले केक लगाई ब्रजपाल सिंह गौर ने, ये है इनका 100% गेम और ऐसे ही गेम खेलना चाहते हैं। और जैसे रंजीत ने वहां पर हाफ हार्टेड कोशिश की और इसलिए देखिए सभी खिलाड़ियों ने मिलकर वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया और ये बहुत जरूरी है मोटिवेशन करना। रायन देखिए जब कोई अच्छा करता है अगर उसे मोटिवेशन मिलता है, अगर उसे अप्रिसिएशन मिलता है ना, तो वो और अच्छा करने के लिए मजबूर हो जाता है और ये बहुत ही अच्छी। हम अक्सर रायन मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि अप्रिसिएशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। Yes, definitely, you know, that's often what boosts somebody. As Chola Virans here trying to score, it's been a deficit of points for them. It's just not gone their way after that particular raid where they got a point through that tackle. After that, they've not been able to score. Aravali Arrows, take a look at this position. Brajpal here taking it on, and this is a big raid from Brajpal doing what he does. 4 points in that raid, and the first all out has been inflicted. Presence of mind, presence of कबड्डी, कबड्डी को अच्छी तरह से जानते हैं दोनों खिलाड़ी। एक जगह चले गए थे, उन्हें पता था मंजीनाथन उनकी थाइस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बैकहोल्ड आया था एक और खिलाड़ी की तरफ से, पर जब तक वो बहुत लेट हो चुके थे। और देखिए डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर्स यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हुए कबड्डी के खेल को। रायन चलिए मैं और रवीन हमर जब थोड़ी देर पहले कॉम्बॉक्स में थे तो एक बात हम कर रहे थे कि जो लड़कियां होती है रायन अक्सर उन्हें किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे किसी भी खेल को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है, और जब वो अट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो लगातार साथ बनी रहती हैं। तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कबड्डी को बहुत पसंद कर रहे हैं यहाँ पर मैसूर गर्ल्स। रेड वाओ, दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। आई एम गोइंग टू गो बैक एंड लिसन टू दैट बिकॉज़ आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड देयर। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, आई मीन आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इन माय कॉलेज, Within our department, within the Department of Law, we have a tournament and we took the initiative to have Kabaddi. And I was so surprised to see the number of people, including girls, to come and support the game of Kabaddi. They were supporting all the boys, and the response was so overwhelming that we added a girls category of Kabaddi as well. So we had 2-3 girls who wanted to learn to play, and at the same time there were 4-5 of them who learned the game while playing, you know. So it is a very attractive game because it's not easy to play and it's very interesting and it's very fast paced. So I would say any kabaddi player is a cool guy. He's going to get a lot of girls. Wow. Aur isliye kisi aur baat par chale usse pehle Ankit Jhaar ne kaha ki rukiye pehle thoda sa mere bare mein vaartalaap kijiye. क्या लाजवाब एंकल होल्ड था, अद्वितीय। जैसे ही बोनस के प्रयास के लिए वहां पर रंजीत गए, परफेक्ट एंकल होल्ड आया अंकित जाट की तरफ से, और उसके बाद देव का अच्छा सपोर्ट आया, उन्होंने वेस्ट होल्ड किया, कवर से बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। और प्रेम बडू और उनकी पूरी टीम बेहद खुश है। 15-6 पर स्कोर है। रायन 1 मिनट से कम का समय शेष बचा है। चोला वीरंस फिर से अच्छी शुरुआत कर दब चुकी है। Indeed, and they haven't scored for a while. It's still in my head. The score was 6-5 after that particular tackle where Aravali Arrows got a bonus point. And after that, it's Aravali Arrows. They've scored 10 points to 0. They've gone on a 10-0 run. And that's been the difference in this entire match. That's why at start, Chola Virans look settled. But right now, Aravali Arrows look like the team that's all settled. As we head into the last 10 seconds, looks like this will be an empty raid. And we will go into the first half where the Aravali Arrows will have a 9-point lead. तो 15-6 पहले हाफ की अब कहानी की यहां पर समाप्ति होगी। दूसरे चैप्टर यानी कि दूसरे हाफ को अब लिखा जाएगा। 15-6 अरावली एरोज, 6-6 पर था और शायद 6-5 पर था रायन स्कोर। एक दफे चोला वीरंस लीड कर रहा था, उसके बाद अरावली एरोज ने लगातार 10 पॉइंट लिए हैं। एक भी पॉइंट चोला वीरंस को नहीं मिला है। रेड पॉइंट चुना है ब्रजपाल सिंह गौर ने, बहुत अच्छा किया। टैकल पॉइंट चोला वीरंस, डिफेंस ओरिएंटेड ये टीम है, उसके बावजूद इन्हें डिफेंस में अंक नहीं मिल रहे हैं। मुर्गन गौतम विम्ड नजर आ रहे हैं, लो इन कॉन्फिडेंस है। 4 टैकल पॉइंट्स अरावली एरोज के पास, 2 ऑल आउट पॉइंट्स है। एक छोटा सा ब्रेक रायन, जल्दी से वापस आते हैं हमारे सभी साथियों के साथ फैन कोर्ट पर।
सो मैच नंबर 41 सेकंड हाफ में आप सभी का फिर से अभिनंदन करते हैं सर्वाइवल 2 का आज के दिन का अंतिम मुकाबला और ये पहला दिन है जहां पर 5 मैचेस हो रहे हैं। कल से वहां पर 4 मैचेस होंगे और बता दें आप सभी साथियों को कल 4 मैचेस हैं पर आज के 5 मैच में अंतिम मुकाबला जहां पर रावली एरोज ने अपनी शुरुआत अच्छी की थी, बाद में लगा कि चोला वीरंस ये जीत आने वाली है इनके लिए, अच्छी शुरुआत कर रहे थे बट पश्चात रावली एरोज के ब्रजपाल सिंह गौर ने दर्शाया और इनके डिफेंस ने अच्छा कार्य कर शिकार बनाया लगातार चोला वीरंस के। रीडर्स को यहां से शुरुआत हुई थी, अंकित जाट का ये जो डिफेंस था उसके बाद से पूरी तरह से डिफेंस एक साथ आया रावली एरोज का और उसके बाद तो ऑल आउट लगातार होती चली गई कौन चोला वीरंस, ये थी वो ऑल आउट पॉइंट्स। ब्रजपाल सिंह गौर ने अच्छा कोशिश की है और आज अपनी टीम के लिए अच्छा कंपेटिट बना रहे हैं ये। Yeah, he's been the one to watch out for coming into this match and he's lived up to his hype by performing beautifully. Not to forget that 4-point raid which included those 2 points and that 2 points which came in the form of an all out. However, I hope the Chola Veerans have figured out their strategy coming into the second half because they are a team that's very much capable of coming back into this game and this man, Arun Kumar, is even more capable of starting things off. Can they light the spark? Can they come back? We will know soon. जी चोला वीरंस के पास वो स्पार्क है, वो कैलिबर है कि वो वापसी कर पाए और अरुण कुमार उनमें से एक है। बोनस मुझे थोड़ा डाइसी लगा क्योंकि क्या ट्रेलिंग फुट उठा था प्रॉपर सही समय पर और राजेंद्र भाकर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, ओके डायनेमो अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाए जिसके पश्चात परसूट कर ही लिया फिर उन्होंने आखिरकार, बट एम्प्टी रेड के साथ यहाँ पर वापस आएंगे और अरुण कुमार को कोई बोनस नहीं मिला है। 6 पर गाड़ी वहाँ पर जाकर अटक गई है चोला वीरंस की, 7वां अंक इन्हें जल्दी चाहिए होगा यहाँ पर। बात करते हैं ना थोड़ा सा कन्नड़ के बारे में, रायन आप कन्नड़ लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है? Yes, I mean I speak pretty decently, but my Kannada knowledge is more when it comes to reading and writing. I think I'm better in that, and because if you're a law student, you have to know Kannada a lot because the courts use Kannada as a regional language. You have a lot of real estate property papers in Kannada, so it is a must know. And it's a very nice language, just like this nice raid from Mohandas, taking use of the error created by the defender there. पूरी तरह से यहाँ पर डिफेंस जो है ऐसा लग रहा था कंफ्यूज हो गया था, वहां पर बिल्कुल ब्लाइंड नजर आ रहा था किसे जाना है किसे नहीं जाना है। जो फॉर्मेशन होता है डिफेंस का सी फॉर्मेशन वो पूरी तरह से टूट चुका था, अंकित जाट ऐसा लगा था कि बिल्कुल वहां पर रेडर के पास आ गए, प्रेम बडू को लगा के अंकित जाट जाएंगे बट वो नहीं गए, इसी के चलते यहाँ पर चोला वीरंस के लिए आखिरकार एक बड़ा पॉइंट आया है। प्रेम बडू नाखुश थे बट रायन बिल्कुल आपने सही कहा और मैं इसलिए पूछ रहा था पर ब्रजपाल सिंह और कह रहे रुकिए प्रश्न बाद में पूछिएगा, यहाँ मैं 2 पॉइंट और मेरी टीम के लिए आया हूँ, रिवाइवल तुरंत हो जाएगा प्रेम बडूस के लिए। प्रेम अरावली एरोज डूइंग व्हाट दे डू बेस्ट बिकॉज दे आर वन टीम, इफ दे गेट द लीड दे कैन होल्ड ऑन टू इट, दे डोंट मेक मिस्टेक्स, देयर अ टीम दैट स्ट्रगल्स इफ दे आर डाउन एंड इन दिस केस दे आर sitting comfortable and they are making the right moves. Take a look at that in terms of right moves, especially that second point was just gifted to the raider and the raider there's turning and asking for more points. और फिर से मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ क्योंकि जितनी भी कन्नड़ लैंग्वेज मैंने यहाँ पे सुनी है ना ब्रैंड उसमें बहुत सारे संस्कृत वर्ड्स का मिक्सचर नजर आता है और वन ऑफ द वेरी ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस में से है कन्नड़, तो इसलिए मैं इस लैंग्वेज के बारे में और इच्छाजनक हूँ जानने के लिए जिस तरह से कितना लाजवाब एक टैकल इनिशिएट किया कॉर्नर्स ने और इनकी पोजीशन से मजा आया। Oh yes, that was enjoyable indeed. And I think a defender made a safe has been created and 1 point is given. Oh, रिव्यू के लिए बाकी सभी खिलाड़ी जो शायद मना कर रहे थे, ब्रजपाल ने वही कहा कि चलो सब मना कर रहे हैं तो क्यों मैं भी जाऊं, पर क्या हुआ था उसमें आइए ये देखते हैं पहले, क्या क्या कोई खिलाड़ी पहले वापस एंटी क्रॉस, नो एंटी क्रॉस यहाँ, क्या लास्ट फ्रेम में ब्रजपाल की तरफ से एंटी क्रॉस हो गया था रायन, जब ब्रजपाल बाहर गए वो अपने नी को कंट्रोल नहीं कर पाए। Yes, rightly said, it was his knee that went across and that could be an error, but the error has been compensated. Has it been compensated? Was the tackle successful? Waiting for the umpire to state his verdict. Amar Verma, थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे, बहुत ही संभले हुए रेफरीज में से एक है अमर वर्मा,
बहुत ही परिपक्व है। ये देखते हैं यहाँ पर जसवंत किस प्रकार से बोनस का प्रयास किया रिवर्स एंकल होल्ड के लिए लेफ्ट कॉर्नर के पावर। देखिए जसवंत की किस तरह से डिफेंडर को पूरा खींच लिया था मिड लाइन की तरफ लगातार उन्होंने कोशिश की, बट मुझे लगता है चोला वीरेंस के लिए इंपॉर्टेंट पाइप वोटर डिफेंस में पॉइंट आया है बहुत समय के बाद। Oh, yes, and the review is going to be taken, and I think we got to see the replay, so we know that the point is going to go in favor of the Chola Virens. However, Aravali Arrows players will exercise their right. Aravali Arrows challenge is Raider save, neck holding. Our decision to Raider out. Please review. Ryan, अगर एक कोर्ट होता मान लीजिए तो क्या जो जो साथी थे वहां पर प्रेम बधु ऐसा कह रहे थे कि गला दबाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा हाईलाइट अगर होता तो ये यहाँ पर शायद यही मांग होती कि गला घोटने की मेरे वो वकील की कोशिश की है, मेरे साथी की कोशिश की है, पर नेक होल्ड की मांग की गई है, क्या ये सही है Ryan? Yeah, I mean that's a smart review taken by over there because he's not only appealed for that one factor which we all thought it's going to be in regards to Raider safe, but he's added another factor. So the judge is obviously going to have to look at both right now because the right has been exercised and you've added another factor before the public. So it has to be taken into consideration and a smart, he gives me lawyer vibes. A very good review taken there, Arshad. Yeah. तो Ryan, अभी आप दोनों पक्षों में से क्या डिफेंस करना चाहते हैं या फिर प्रेम बडू के साथ होते हैं, जल्दी बताइएगा अगर आपको लॉयर के तौर पर अपॉइंट किया जाना चाहिए था। तो I'm not going to say that there was neck holding and penalize them. I'm going to stick to the verdict. यानी कि डिफेंस के तौर पर आप वहाँ पर डिफेंस लॉयर की तरह जाते हैं, पर देखते हैं ये यहाँ पर टीवी रेफरी का क्या मानना है। रामवीर साहब और प्रेम भड्डू, ये प्रेम बड़ा सुना जाना माना नाम है, सलमान खान ने बहुत सारी पिक्चरों में प्रेम नाम का उपयोग किया है और मुझे लगता है प्रेम भड्डू के माताश्री पिताश्री सलमान खान की पुरानी मूवीज के बहुत बड़े फैन रहे होंगे। हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं कौन में सलमान खान का प्रेम नाम है, रेडी मूवी में उनका प्रेम नाम है एंड और कई मूवी सलमान खान को जानते हैं। What question was that, Harshit? तो आई होप कि आपने इतनी पुरानी मूवीज उनकी देखी होगी। रिव्यू अनसक्सेसफुल, रेटर आउट, वन पॉइंट, चोला विरांस। रिव्यू Ryan, आपका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है इन लॉ आल्सो और कमेंट्री में भी। यहाँ लीजिए चोला विरांस के पक्ष में यहाँ पर पॉइंट गया है। अरावली एरोज अच्छी कोशिश थी इनकी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अटेम्प्ट भी किया था बट क्योंकि वो ज्यादा उतना इंपैक्टफुल नहीं था उसी के चलते वहां पर ग्रीन कार्ड। वाओ बहुत अच्छा गौतम को यहां पर वार्निंग मिली है और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेज नारायण जो वहां पर लीड जॉरर है, लीड रेफरी है, इन सभी के लीडर्स हैं, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहां पर लगातार सभी रेफरीज को देते हैं और बहुत इनका कॉम्बिनेशन नजर आता है। Wow, that's great, and that is a nicely executed verdict there. You know, he first gave the verdict in regards to what the first appeal is, and it's not that the neck addressing was not that was still taken into consideration and the card was given. So that's very nicely done. And Harshit, you earlier spoke about appreciation, and thank you so much. That the appreciation I need, just like the appreciation we will give the defense here for denying that. That's been a spectacular run from the corner defender there. The question is. Is it going to be safe or not? एक और बार वर्डिक्ट को चेक किया जाएगा। चलिए ये कैसा कबड्डी का मैच, एक ऐसा कोर्ट है जहां पर लगातार ऐसे वो केसेस आते चले जाएंगे और इस बार देखते हैं कि यहां पर जो जज है यानी कि अमर वर्मा साहब किसके पक्ष में निर्णय देंगे। क्या अरावली एरोस के पक्ष में यहां पर निर्णय गया है, चेक करना होगा इसे एक बार पुनः रिप्ले में। 277 प्लीज कम। ओह रिव्यू मांगता है चोला वीरेंस, यहां पर रिव्यू चाहता है और देखते हैं शायद दो जर्सीज को यहाँ पर कंटेंट में रखा गया है, एक राजेंद्र भाकर है और दूसरे शायद वहाँ पर आपको जय नजर आएंगे, माफ कीजिएगा देव गुर्जर शायद नजर आ सकते हैं। टीवी अंपायर चोला विराट चैलेंज इज रेडर सेफ, आवर डिसीजन रेडर आउट, प्लीज रिव्यू। चलिए रिव्यू की तरफ चलते हैं, यहाँ रिप्ले में देखते हैं कि क्या कैसे हुआ है। यहाँ पर आपको मोहन दास नजर आ रहे थे, अटैक हुआ सबसे पहले अंकित जान की तरफ से, उसके बाद राजेंद्र भाकर, एंटी क्रॉस, क्या कोई है यहाँ, पैर आया था क्या, जब वो पैर बाहर से अंदर आया है तो क्या इसे मान्य माना जाएगा, क्या लॉबी में कोई हिस्सा कनेक्शन में था, तो इस बार टीवी रेफरी के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल कार्य है Ryan, और मैं आपको मुश्किलात में नहीं डालूंगा कि आप निर्णय लीजिए।
No, well, I think because he's wearing orange color shoes, between the legs of the defender, I could see a patch of orange that was inside the lobby. So I think that's a very good review and it's going to be Raider safe. If I saw it right, like I told you, I'm not wearing my glasses, so I don't have the best view, but I think so. I 100% think it's going to be Raider safe. यहाँ देखते हैं कि क्या वो पहले तो पैर बाहर से आया था unsuccessful. रिव्यू अनसक्सेसफुल क्योंकि रायन पहले पूरी तरह से पैर बाहर चला गया था और उसके बाद वो अंदर आया इसके चलते वहां पर ये निर्णय जो है वो पक्ष में जाएगा रावली एरोस की. यहाँ एक बार फिर से चेक करते हैं शुरू करने गए अंकित जाट राजेंद्र बाकर का बहुत अच्छा. ये देखिए यहाँ लॉबी से पूरा कनेक्शन टूट गया था रायन लॉबी से पूरा कनेक्शन टूट गया था और अगर एक बार आप लॉबी से पूरी तरह से कनेक्शन छोड़ देते हैं तो आप आपको आउट करार दिया जाता है. ब्रजपाल सिंह गौर जो कि ऑलरेडी अपना सुपर 10 बना चुके हैं एक लेफ्ट रेडर है बट वेयर इज द डिफेंस ऑफ चोला वीरांस. चोला डायनेस्टी के मोस्ट पावरफुल राजा की याद दिला देते हैं हम जिनका नाम राज राजा था उन्हें याद कीजिए उनके डिफेंस को याद कीजिए. चोला वीरांस आपका डिफेंस शक्ति जी रिव्यू नहीं बचा है चोला वीरांस के पास अभी अभी गवाया है अरावली एरोस के पक्ष में उन्हें जाता हुआ. Yes, and the reference to Rajendra Chola there being given as Aravali Arrows are the ones taking charge of this game at the moment. It's the Arrows attacking the kingdom over there. You know, we've seen in movies at least how many a times attacks are initiated. You know, it's always starting with the bow and arrows. You know, you just fire. You have a army firing bow and arrows together at once. And that's what's happening right now in terms of the Arrows. The question is, are the Veerans going to attack back? Can they attack back and give the fight back to the Aravali Arrows? We will know with 8 minutes 40 seconds remaining. Ryan, now we are talking about hashtag Aage Ka Rasta. Chola Veerans lagatar 5 haar. Ab unke liye ab Aage Ka Rasta kaise dekhte hain? Sirf ek tackle point aaya hai. Defense sabse acha puri 9 teamon mein agar hum baat kare na Ryan तो चोला वीरेंस के पास है वंजी नाथन एम गौतम दो अच्छे कॉर्नर्स जरूर विघ्नेश बाबू इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं प्रवीण कुमार आयनार एक बहुत अच्छे कवर डिफेंडर एनियन उनके पास है थमिल वरन उनके पास है तो हैशटैग आगे का रास्ता. थैंक यू सो मच डायरेक्टर देवा एंड ईवीएस ऑपरेटर एंड प्रोड्यूसर की तुरंत वहां पर हैशटैग आगे का रास्ता उन्होंने हमारे कहने पर दिखाया बोर्ड पर. तो रायन कमाल का एक्रोबैट्स 1 पॉइंट चोला वीरेंस नंबर 7 आउट. Oh wow, I mean that could be the one raid that at least gives them the boost to get that Aage Ka Rasta. As we take a look at the replay, oh, it was his hand that actually got. I'm sure a lot of us would have thought the verdict was given on his leg, but it was his hand that actually crossed the midline. Right. And a good raid there. And the Aage Ka Rasta for Chola Veerans is to start getting those defensive stops. Like you said, it's just one tackle point that's come in. You need to get the tackle points in order to remove the raiders. Once you remove the raiders, that's when the Aravali Arrows will struggle to score points because Chola Veerans have good raiders in their bank as well. They can go in and get those points at the right moments. So they just need to execute that, get those couple of tackles and put the pressure back on the Aravali Arrows. And Ryan, this is not much. In their mind, Chola Veerans, in their mind, somewhere in the past 5 hours. इसी के चलते अपना नेचुरल गेम चोला वीरेंस नहीं खेल रही है और यही एक फर्क होता है ना कंप्यूटर में और ह्यूमन माइंड में कि स्विच ऑफ स्विच ऑन का ऑप्शन होता है कंप्यूटर में और ह्यूमन माइंड वो स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं कर पाता है. यानी कि आप तुरंत वहां पर नहीं भुला सकते हैं जो पिछली बात वहां पर आप पर गुजरी है. बट राजेंद्र वाकर का ये एंकल होल्ड हल्का सा यहाँ पर सीजरिंग करने की कोशिश की अंकित जाट ने दिया है चोला वीरेंस को. So that's going to be 1 point each. And this will not be enough for the Chola Veerans. And a good strategic timeout. They will have to put it to use. We will get to listen to what the coaches have to say in this minute. Yes, I will listen to Chola Veerans. This is 5 point difference. Let's see. 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 என்ன லெப்ட் சைடுல விக்கி தான் நான் பாத்துறேன் நீ என்ன பண்ற லோன் அங்க வர ஏன்னா இந்த லோனை எடுத்தே ஆகணும் எடுத்தாதான் மேட்ச் எப்படி மாறும் நம்மளுக்கு ஃபேவரா மாறும் இல்லைன்னா என்ன ஆயிடும் மேட்ச் போகாது அப்ப என்ன பண்ண அவனுக்கு செகண்ட் ரெட் ஃபர்ஸ்ட் ரெட் மேலே ஆடுறான்ல இல்ல அழுத்தி ஆடுறான் பேரு சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் அசால்ட்டா அடி ரீச் குடுத்துருவாங்க தொடர்ந்து ஒண்ணு புரியுதா 5 பிளேயர் थर्ड में ट्रायल है ना भर के एक नंबर से रेड मत मारना बीच में रेड मारना सेकंड मैन से मतलब दो नंबर के आगे से रेड शुरू करना नीचे उतार के मारना बहुत ज्यादा मैं ठीक है इसको भी पढ़ा ले यार
डिफेंस रोक के रखो, बहुत अच्छा खेल रहे हो, ठीक है चलो। और यहाँ पर बात करते हैं कि आप सभी ने आए हो कि युवा कबड्डी सीरीज अपने ऐप अपने फोन में डाउनलोड कर रखा होगा, क्योंकि आपके पास वहाँ मौका है बहुत सारा क्विजेस के लिए और तुरंत वहाँ पर 5000 तक के प्राइजेस और साथ ही साथ मर्केंडाइजिंग आप जीत सकते हैं। तुरंत आप सभी तक मर्केंडाइजिंग पहुँचा दिया जाएगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी YKS का मैनेजमेंट लेता है। पर यहाँ पर डिफेंस का पॉइंट आया है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के तुरंत बाद चोला वीरंस क्या अंतिम 6.25 मिनट में अपने डिफेंस से इस मैच में वापसी की गाथा को लिख पाएगा रायन। Yeah, well, we all hope because we know that defense has been the one thing that's not clicked for them in this entire game so far. And if they can make that work, they can definitely make their way back into this game. And speaking of the merchandise of YKS, yes, I agree with you, Harshit. It's been beautiful. And thanks to Ashwin, Mohit and everybody on the team for often sending us that t-shirt. You know, it's so nice with our name written and we do feel completely a part of this series. And you can feel a part of it too by following us on Instagram and also participating in the games where you can win merchandise. As Raider Safe is stated and Chola Virens bring the lead down to 7. जी वहाँ पर पुणे गलती हुई यहाँ से और ऐसे ऐसे momentum बदलता है रायन, और कबड्डी जो खेल है वो मोमेंटम का है और बहुत जरूरी होता है उसमें किसी भी टीम के लिए मोमेंटम। 7 अंकों की लीड अरावली एरोज के पास रह गई है और 5.25 मिनट का समय शेष है और ऐसी सिचुएशन से हमने बहुत बार हम भी हीरोज को वापसी करते हुए देखा है। और जब पुराने समय की बात करूं, जब अंकित सांगवान के टीम मैनेजर हुआ करते थे, जिस प्रकार से वो वापसी के लिए अपनी टीम को वहाँ पर दिखाया करते थे, वैसे टीम मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे अजय धीरज चोला वीरन से बात करें या फिर राघव सिंह रावली एरोज से बात करें, तो ऐसी ही वापसी चोला वीरन को अब करनी होगी और कोशिश करनी होगी उनके टीम मैनेजर्स की भी कि गेम में वो इन्वॉल्व रहें, अपनी टीम को जो बात कोच बता रहे हैं उसके अलावा कुछ ना कुछ बात वो भी बताने की कोशिश करें लगातार। Indeed. Oh. And इस मैच में रायन ने दोनों ही टीमों के कोचेस के लिए ग्रीन कार्ड आया है। चोला विरांस ड्यूरिंग द रेड कोचिंग, नो कोचिंग ड्यूरिंग द रेड। तो 20-13 7 पॉइंट की लीड अभी भी अरावली एरोस के पक्ष में 4.5 मिनट का समय शेष। मोहनदास ने अच्छा किया है, आज अच्छे रेडर के तौर पर वहां पर नजर आए 5 का हाउस है, पर अब इतना आसान नहीं होगा रायन। Yes, and that green card just showed us the magnitude of the game. The coach is, you know, desperate to get that point, and in the course of his regular coaching, he's just subconsciously made that error. However, the Chola Virens will try to get it back. 8 seconds. He forced his way through. Did he get the point there? He used his leg. One point. The question is, yes, he's gotten that 1 point. That's a big raid, and Chola Virens are slowly starting to wake up here. कहीं ना कहीं अब अरावली एरोस का डिफेंस स्टार्टल हो रहा है। वहां पर देखिए मोहनदास पहले ही कमिट कर गए थे, राजेंद्र पहले ही बैठ गए थे और मोहनदास ने तुरंत वहां पर देखा इस टैकल को, जब ही इनिशिएट कर सकते थे जब राइट कॉर्नर से वो, क्योंकि उन्हें बैक दिख चुकी थी, रेडर की बैक वहां पर दिख चुकी थी, पर जो स्पीड थी ना वो सबसे बड़ी एसेट थी वहां पर मोहनदास के लिए। अब नवप्रीत क्या करेंगे, सिर्फ समय वहां पर व्यर्थ करने की कोशिश करेंगे, बट अब मैं देख रहा हूं चोला वीरंस का डिफेंस अगर कहीं फॉर्म में आ रहा है तो अगर कैसे भी नवप्रीत अंदर गए तो वो जरूर अटैक करेंगे, बट नवप्रीत अंदर नहीं जा रहे हैं। 3.25 मिनट का समय शेष बचा है, 6 पॉइंट की लीड रायन, बहुत ही एंथुसियाज्म इस मैच में बढ़ रहा है, एंथ्रॉलिंग फिनिश की तरफ यह मैच जा रहा है। Time out. Yes, definitely. And a timeout from the Chola Virens with 6 minutes, with 3 minutes. It's going to be an important timeout. We will hear what the coaches have to say. Aar 8 point kadiyo. Defense or jathram point kadiyo. Sir, toh nupurda. Hey, result aadiya. Ni aadi aadiya. Ni na pande kunchi naar paarenga. Aam po mount das pota. Sir, hey, pushi sir. Ni aad 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 aad. Sir, toh kela. Aad umba advance aadi kadiyo. Aar. Aar ya. टूटना मत, ठीक है पॉइंट लाएगा जसवंत, लेकिन तुम टूटना मत, डिफेंस रोक के रखो, टूटना मत। और वहीं चोला वीरंस कोच ने यही कहा होगा कि रेड में पॉइंट लाना है और डिफेंस में अगर मौका मिले तो कैच करना है, कॉन्फिडेंशियल वहां पर ये बातें बताई गई हैं दोनों ही टीमों के कोचेस की तरफ से, बट आप देखते हैं कि कौन सी टीम अपना कॉन्फिडेंस को अच्छी तरह से रख पाएगा। थमिल वनन आए हैं, इनका इंक्लूजन वहां पर टीम के हुआ था, इनकी स्पीड अच्छी है, किक्स लगाइए थमिल वनन, आपकी फेवरेट चीज है आपकी किक, मैं किक का इंतजार कर रहा हूं, बट इस बार हैंड स्ट्रेच करते हुए टच पॉइंट लाने का प्रयास रायन, मुझे लगता है ये 20 सेकंड वेस्ट किए हैं थमिल वनन ने, और पेशेंस बहुत अच्छा दिखाया अरावली एरोस के डिफेंस ने। Yeah, and Tamil Vanan could have possibly just forced the do or die raid by saving those 20 seconds. However, what's happened is happened. Yeah, this is the moment. This is where
This is where the Virens can stop it. This is a big tackle. This is a very big tackle in this match because with 2 minutes 20 seconds, a 5-point game, it means a game is on here, Harshit. या ये गेम ऑन है पर चोला वीरेंस को समझना होगा उनके लिए एक एक रेड इंपॉर्टेंट है. मैं चाहूंगा मोहन दास को रेड पर जाना चाहिए क्योंकि मोहन दास के पास जो स्पीड है ना वो मोहन दास कार्य कर सकते हैं तीन के हाउस में अपनी टीम के लिए पॉइंट ला सकते हैं. बट अरुण कुमार गए हैं इंपॉर्टेंट रेड है रायन ये अगर सुपर टैकल हुए तो ये मैच पूरी तरह से रावली के पक्ष में जाएगा. पर अरुण कुमार एक अच्छे रेडर है अभी तक इनके पास कॉन्फिडेंस रहा है पिछले मैचेस में अच्छा किया है. ओ फ्रंटल ब्लॉक What a powerful defensive attack shown by the Ankit. पूरी तरह से यहाँ पर अजय धीरज नाखुश हैं. ये सुपर टैकल और मुझे लगता है रायन अब मैच रावली एरोज की गिरफ्त में है. Indeed, and this is definitely a candidate or a nominee for one of the play of the day because he's done it individually. That is done solo, but the jersey pulling that is quite evident there, Harshit. अरावली एरोज को मिला है बट 7-point की लीड अभी भी है रायन. Yes, it will be made 6 after that. Technical point is given and Brajpal here will happily wait till the clock ticks down till possibly even 5 because they don't have the pressure. The pressure is not on them. The pressure is on the team that's down by 6 points. That is the Chola Virens. They will be running and waiting and eager to just immediately start the raid. And this game is pretty much wrapped up towards the Aravali Arrows unless a miracle happens. Bilkul, agar all out is the only key. मोहनदास चोलो वीरेंस अगर ऑल आउट कर पाते हैं यहाँ पर तो यही इकलौती वहां पर की हो सकती है टीम के लिए. देखिए मोहनदास के पास स्पीड है रायन अरुण कुमार के पास भी स्पीड है पर वो ज्यादा लीथल है यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा स्विफ्ट है. मोहनदास जरूर चार के हाउस में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाह रहे हैं. इधर उधर हो रहे हैं बॉक लाइन पे नहीं. मोहनदास थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा. किक लगाइए किक का यूज कीजिए. क्या वन टच पॉइंट मिल पाएगा जी नहीं. एक और रेड यहाँ पर वेस्ट हुआ है और मुझे लगता है कि अब अरावली एरोज कंफर्टेबली इस मैच में जीत जाएगा. बट वार्ता ये रहेगी कि क्या पूरे पॉइंट अरावली एरोज प्राप्त कर पाएंगे या फिर चोला वीरेंस एटलीस्ट इस मैच से एक पॉइंट तो अपने खाते में जोड़ जाएंगे. I mean, wow, just wow. Aravali Arrows coach told the defense, tutna nahi to the defense and their defense is what's won them the game. First in the form of that super tackle there, just when the Virens got momentum, that super tackle and followed by the previous raid where the defense held on very strong in those two chains and stopped the game there. तो छोटे छोटे जो कभी कभी निर्णय होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहाँ पर विघ्नेश बाबू गए थे रेड पर तेजी के साथ रेड लगाई और एक पॉइंट अपनी टीम के लिए. बिना टच के लॉबी में चले गए विघ्नेश बाबू. बिना टच के अगर आप लॉबी में जाते हैं तो यहाँ पर आप आउट करार दिए जाएंगे और चोला वीरेंस के पास कोई वहां पर टच के ये क्या था ओ क्या एक बार लॉबी से उन्होंने पूरी तरह से जंप जंप किया तो उनका कनेक्शन जो था वो शायद लॉबी से टच छूट गया था या फिर ऐसा कुछ था. एन पर वो एक पॉइंट किसके पक्ष में गया है अरावली एरोज के. Oh well, still the last raid of the game. It is a do-or-die raid, which means Prem Badu had to go in for it. But it will be a tackle to finish off, and Chola Virens will get 1 point and drop it to a 6-point deficit. बोनस ये राजेंद्र बाकर ये कह रहे थे बोला भाई एक पॉइंट उन्हें नहीं देना चाहिए था पर यहाँ पर एक पॉइंट चोला वीरेंस को मिलेगा. एक ओनली पॉजिटिव था मोहनदास ने अच्छा किया. गौतम के लिए अंत में ही आया वह एक पॉइंट. आखिरकार वहाँ पर वो पॉइंट आया. वो जो ड्रॉट था यानी कि पॉइंट्स का जो सूखा था एम गौतम के लिए वो आखिरकार दो मैच के बाद रैंक क्योंकि आपकी वो प्रिडिक्शन थी ना कि एम गौतम एटलीस्ट इस मैच से पॉइंट्स का खाता यहाँ पर खोल देंगे तो सिर्फ आपकी प्रिडिक्शन के लिए एम गौतम ने अंतिम रेड में डिफेंस किया है. Yes, M. Gautam coming in clutch there. And the disappointing factor is that it's 6 straight losses for the Chola Virens now. They just need to fix things up honestly. And we can see the joy in the Aravali Arrows team because yesterday they had a humiliating loss. This morning they had a tie. And today they can sleep well because they've got a victory.
और रायन वहां पर राघव सिंह एक ब्लू जर्सी के साथ नजर आ रहे थे, तो यानी कि मुझे लगता है कि जो उनकी टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे, हो सकता है कि मैनेजर ने एक नया फैसला निकाला होगा, जो टीम में सबसे अच्छा खेलेगा मेरी तरफ से उसे जर्सी दी जाएगी। बट यहाँ देखते हैं कि कैसे रही दूसरी हाफ की हाईलाइट्स, कैसे यहाँ पर अरावली एरोज का जो डोमिनेशन था पूरे मैच में जारी रहा, बहुत अच्छा खेले अरावली एरोज और ब्रजपाल सिंह गौर, दैट्स व्हाई हमने उन्हें पैकेज में दर्शाया था, उनका बेस्ट गेम आज नजर आया और उनके बेस्ट गेम के चलते उन्होंने 11 रेड पॉइंट प्राप्त किए, अंकित जाट ने हाई फाइव बनाया, तो ये बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव रहे अरावली एरोज के लिए। राजेंद्र भाकर ने 2 टैकल पॉइंट्स, प्रेम बधु को 1 पॉइंट, नवप्रीत सिंह को सिर्फ 1 रेड पॉइंट, पर टीम जीती है फाइनली, ये जरूरी है। और पूरी तरह से प्रेशर मुझे लग रहा है चोला वीरेंस के डिफेंस पर है, सिर्फ 2 टैकल पॉइंट विघ्नेश को, 1 वंजनाथन को, 1 गौतम को और 1 प्रवीण को, उसके अलावा किसी भी डिफेंडर ने इफेक्टिव प्रदर्शन नहीं दर्शाया। और इन्होंने भी जो टैकल्स किए वो अंतिम हाफ में थोड़ा सा अच्छे किए, बाकी मुश्किलात का सबब था। Rightly said, Harshit, and the match summary for you, match number 41, the last match of this week. 17-23, Aravali Arrows coming out on top against the Chola Virens. Rate points, just 2 points separating both of them, but in favor of the Aravali Arrows. The tackle points once again in favor of them, including the all-out points, extras, a couple of them to the Chola Virens. No super raids in this match, however, one super tackle which we got to witness towards the end of the game, a very important super tackle that it was for the Aravali Arrows. That's the match summary for you. Not to forget the best raider and best defender, both of them coming from the Aravali Arrows, Harshit. जी, बेस्ट डिफेंडर बेस्ट रीडर की आप बात करें, ब्रजपाल सिंह गौर आपको नजर आएंगे, 16 रेज लगाई, 11 रेड पॉइंट्स, और शुरू से ही वो अग्रेशन, वो जो हंगर होता है ना रायन, वो नजर आया इनकी रेज में। और स्ट्राइक रेट की मैंने बात की थी कि अच्छी लगाएंगे, वही 68% इनके पास नजर आया और अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया। अब समय होगा बेस्ट डिफेंडर को आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का, बट इसी के बीच में हमारे डायरेक्टर ने बोला कि चलिए थोड़ा सा लाइट्स पर भी ध्यान दे दीजिए कि कितनी लाजवाब और औसम लाइटिंग का यहाँ पर कार्य किया गया है हमारे पलनी सर की तरफ से, यानी कि ब्रॉडकास्ट टीम की तरफ से। बट बेस्ट डिफेंडर की बात करते हैं तो 5 ही टैकल्स और 100% टैकल सक्सेस रेट के हिसाब से 1 सुपर टैकल को मिला लिया जाए सुपर टैकल को, तो 5 टैकल पॉइंट्स अंकित जाट ने अपने नाम किए। अंकित नाम ही कमाल होता है, आज फिर से अंकित जाट ने दर्शाया। Yeah, and the tackle success rate of 100, that's very nice to finish a game with a 100% tackle percentage, like that gives you so much of bragging rights and confidence. However, we get to look at the points table. We know the top 8 teams will be the ones making it from the survival round to the booster round, which is why you see a fresh table. Palni Tuskers on the top currently, followed by Nilgiri Knights. Humpy Heroes in the third position, 3 of them in the double digits. Synsonics, Periyar Panthers, Aravali Arrows with single digit points. However, they are close next to each other. Chambal Challengers, 3 points. Chola Virens getting a point off this match. Kaziranga Rhinos, they need to start figuring things out because they are yet to open their account, and they will have to open their account if they want to avoid getting knocked out. और पॉइंट्स पर मैच, ये एक नया कॉन्सेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसी के चलते आपको जो टॉप 3 टीम्स नजर आ रही थी वहां पर बिल्कुल ऊपरी क्रम पर नजर आ रही थी, हालांकि हम्पी हीरोज मैच हारा, बच्चों उनके एडवांटेजियस जो उनके बोनस मिले थे उसका पूरा फायदा मिला है। बच्चे 8 सर्वाइवल 2 की बात करें और सर्वाइवल 2 के पहले दिन की बात करें तो चंबल चैलेंजर्स बनाम अरावली एरोज, पहला मैच अरावली ने टाई खेला, दूसरा मैच पेरियार पैंथर जीता, तीसरा मैच सिंसोनिक जीता, चौथा मैच बहुत अच्छा था पलनी डस्कर्स ने अंत में आते आते कहा कि चलिए विजेता हम ही रहने वाले हैं, पांचवा मैच अरावली एरोज जीता, तो बहुत ही अच्छा आज का स्केड्यूल था रायन। बट अगर अब कल के दिन की तरफ चलें तो वहां देखते हैं कि हम आप सभी के लिए क्या क्या एंथुसियास्टिक मैचेस लेकर आ रहे हैं। बट एक बड़ी अपडेट है, कल के मैचेस शुरू होंगे 10:30 नहीं सुबह बल्कि 2:30, यानी कि 2:15 हम जुड़ जाएंगे आप सभी के साथ लाइव प्री शो के साथ। Yes, and you will start tomorrow 2:30 live with match number 42, where the mighty Palni Tuskers go up against the Chambal Challengers. That's going to be a cracker, followed by Humpy Heroes going up against the Aravali Arrows. The Arrows happy of this victory, and the Humpy Heroes deficit of that loss. It's going to be intense yet again. Nilgiri Knights, another strong team, going up against Periyar Panthers. Both the teams very fierce, and Chambal Challengers will go up again tomorrow to finish day of the second survival round, and it's going to be another cracker of a day tomorrow.
Yeah, absolutely, Ryan. तो चलिए अब ये क्रैकर की तरफ हम सभी चलेंगे कल, बट अभी समय है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का. रायन आपके साथ कमेंट्री करके एक बार फिर से बहुत सारा मजा आया. हमारे फ्रेंड कोर्ट पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और अभी उनसे कहना चाहेंगे जुड़े रहिए हमारे साथ पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन एंड रिकॉग्निशन अवार्ड अभी भी आना शेष है. मैं हर्ष शर्मा साइन ऑफ करता हूँ कॉम बॉक्स से, मिलूंगा आप सभी के साथ इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन. फाइनली आखिरकार यहां पर रावली एरोस जीत कर ही मानी है. आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऑफ मैच नंबर 41 ऑफ युवा कबड्डी सीरीज समर एडिशन 2023. और प्रेजेंटेशन की शुरुआत करेंगे विद थैंकिंग ऑल आवर पार्टनर्स. फर्स्ट हमारे साथ ब्रॉडकास्ट पार्टनर फैन कोड, फैंटेसी पार्टनर ड्रीम 11, फिजियो पार्टनर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस जेएसएस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, हॉस्पिटैलिटी